खबर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली से है, जहां लगभग 27 करोड़ 47 लाख 94 हजार की लागत से शासकीय कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्य चल रहा है और बिना हैंडओवर उद्घाटन के ही छात्रावास प्रारंभ भी हो गया है। छात्रावास भवन में ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन काम कराया, जिसके चलते निर्माण के साथ ही भवन में दरारें पड़ने लगी हैं। इन दरारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार ने किस तरह कार्य में अनियमितता बरती है। वहीं PIU विभाग के अधिकारियों ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने की जहमत नहीं उठाई। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। गोरैया पंचायत में जो पाली प्रोजेक्ट कॉलोनी के बगल में है, वहाँ पर जो कन्या परिसर का काम हो रहा है, 2017 में ये काम शुरू हुआ था और शुरू से ही इस काम में जब स्टार्ट हुआ था तभी से गुणवत्ता को लेकर इसकी बातें आती थी कि जो भवन बनाया जा रहा है इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। दूसरी चीज, जिस जगह पर वो भवन बनाया गया है उसके नीचे अंडरग्राउंड माइंस चली हुई है और किसी माइंस के ऊपर स्थान पर 4 मंजिला भवन बना देना, ये भी अपने आप एक शंका और संदेह के दायरे में आता है। आज आप जब जहाँ वहाँ पर जाकर निरीक्षण करेंगे तो कई जगह बिम लेवल पे क्रैक आ गए हैं उस भवन पे। मैंने सुना है अभी तक वो भवन हैंडओवर भी नहीं हुआ है और वहाँ पर हमारी आदिवासी बच्चियाँ रहती हैं। आप जब खुद जाकर देखेंगे वहाँ पहुँचने के अप्रोच रोड नहीं है, रात को अंधेरा रहता है वहाँ पर और वहाँ पर बच्चियों को रहने के किस तरह से व्यवस्था की गई है ये समझ से परे है। तो खास करके जब कोई भवन बनता है तो गारंटी पीरियड होता है उसका। यदि वो भवन हैंडओवर हो गया है तो उसकी गारंटी अवधि होगी, तो स्वाभाविक चीज है जहां जहां पर भी सीपेज आ रहा है, जहां जहां पर भी वो भवन क्रैक मार रहा है, उसको ठेकेदार को फिर से PIU PWD विभाग को कराना चाहिए, क्योंकि लगभग 27.5 करोड़ की लागत का भवन है। और जब ये भवन बन रहा था तब भी हमने ये प्रश्न उठाया था कि जिस जगह पर आप ये भवन बना रहे हो वो जगह कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन टेंडर हो चुका था, तकनीकी सब कुछ हो चुका था, उसके बाद वो काम चालू हो गया और कुल मिला के ये ना तो बच्चियां वहां पर जा पा रही हैं, ना उस संख्या में बच्चियां हैं उस हॉस्टल पे, ना वो जगह जिस जिसके काम को बनाई गई है।